So, आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले आइसोमेरिज्म के ऊपर। तो अपन ने आइसोमेरिज्म में क्या क्या चीज पढ़ ली थी वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि शायद ये पांचवा पार्ट है आइसोमेरिज्म का। तो अपन ने पढ़ लिया था कि आइसोमेरिज्म होती है ये टू टाइप्स की होती है। एक तो कौन सी होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। जबकि जो अपन बात कर रहे थे सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को अपन ने लिया था, स्टीरियो को अपन फिर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने क्या देख लिया था, चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, रूट चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो आज अपना पांच नंबर का टॉपिक है, मतलब पांचवी आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चर के अंदर, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होती है, मध्यावयवता होती क्या है, मेटामेरिज्म। तो वैसे नाम से पता चल रहा है मेटा मध्यम, मतलब मध्यम के अंदर आपको क्या मिलेगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। कि एक ट्रिक है याद करने की, तो आपको पता चल जाएगा वो मेटामेरिज्म है। तो जो अब एक चीज याद रखना कि जो मेटामेरिज्म होती है ये आपको हमेशा कहां देखने को मिलेगी, जो बहुसंयोजी, जो बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह होंगे, क्या होंगे, इनकी एक खासियत है मेटामेरिज्म की, ये हमेशा बहुसंयोजी जो क्रियात्मक समूह होंगी उन्हीं के अंदर देखने को मिलेगी। तो एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको कि आप यहां पे सिर्फ समझने का काम कीजिए, नोट्स वगैरह है जो भी आपको पढ़ना है वो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे, तो वहां से आप, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसकी, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं दादी हेल्पलाइन, तो वहां से आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप यहां सिर्फ समझने का काम कीजिए। तो मेटामेरिज्म कौन सी होती है, किसमें देखने को मिलेगी, बहुसंयोजी जो क्रियात्मक समूह होंगे उनके अंदर आपको मेटामेरिज्म देखने को मिलेगी। अब एक क्वेश्चन मार्क यह आ जाता है कि बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह कौन कौन से होंगे, होते क्या है। तो ऐसे क्रियात्मक समूह है जिनकी क्या हो, वैलेंसी हो, वो क्या हो, एक से ज्यादा हो। जिनकी ऐसे क्रियात्मक समूह है जिनकी वैलेंसी क्या हो, एक से ज्यादा हो, उनको अपन क्या बोलेंगे, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल है कि बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो आप एग्जांपल ले लीजिए कीटोन का, क्या आ गया, कीटोन आ गया, इथर आ गया, एस्टर आ गया, और क्या आ गया आपका, कीटोन आ गया, इथर आ गया, एस्टर आ गया, इसके साथ में सेकेंडरी जो एमीन होती है द्वितीय एमीन, जो क्या होती है सेकेंडरी एमीन होती है, सब किस किस, ये सब किस में आएगी, बहुसंयोजी जिनकी वैलेंसी क्या हो, दो। अब कीटोन का यदि अपन देखें तो कीटोन क्या होता है, ये क्या है अपना कीटोन है, इथर की बात करें ये क्या है, इथर है, एस्टर की बात करें ये क्या है आपका, एस्टर है। सेकेंडरी एमीन की बात करें तो ये एमीन क्या है अपनी, सेकेंडरी एमीन है। ये सबके सब क्या है, ये सबके सब क्या है, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह। अब ये जैसे अपन ने ले लिया एल्कोहल, एल्कोहल की वैलेंसी कितनी होती है, एक होती है, OH यही तो होती है एल्कोहल की वैलेंसी। तो एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह नहीं है, ये हमेशा याद रखना, एल्कोहल क्या है, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह नहीं है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, एक है। जिनकी भी वैलेंसी दो होती है वो सबके सब किसके अंदर आते हैं, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के अंदर आते हैं। तो ओके, क्लियर पता चल गया आपको, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह कौन से होते हैं, कीटोन, इथर, एस्टर, द्वितीय केमिन, ये अपन ने एग्जांपल ले लिए। तो चलिए अपन एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि आपको मेटामेरिज्म कैसे देखने को मिलेगी। तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं C4H11N, इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि इसके अंदर अपन को मेटामेरिज्म कैसे देखने को मिलती। तो इसके आइसोमर बना के देखते हैं, ठीक है, दैट्स क्लियर। ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है, अणु सूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको अपन ने ऐसे लिख लिया। अब इसके, इसका मेटामर बना के देखते हैं, इसका क्या मेटामर बना के देखते हैं। तो देखिए CH3 NH CH2 CH2 CH3, चलिए इसका मेटामर और बना के देखते हैं, CH3 N CH3 and CH3, दैट्स क्लियर। चार चार कार्बन सब में देखने को मिल रहे हैं, एक दो तीन चार, ये NH आ गया, एक दो तीन चार। देखिए अब ये क्या है कि ये सबके सब क्या शो कर रहे हैं, आपकी मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं, मतलब सबके अंदर, बीच के अंदर क्या आ रहा है, क्रियात्मक समूह वैलेंसी क्या है, NH की दो वैलेंसी, द्वितीय केमिन है इसकी भी दो वैलेंसी आ रही है, यहाँ पे भी दो वैलेंसी हो या दो से ज्यादा हो तो इसकी भी कितनी है, दो वैलेंसी आ रही है। तो ये सबके सब क्या शो कर रहे हैं,
मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। अब लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि जो मेटामेरिज्म होती है उसके अंदर, अब देखिए इसके अंदर ही अपन देखने की कोशिश करें तो यहां पे यदि इसको नंबरिंग देते हैं 1 2, यहां पे यदि इसको नंबरिंग दे तो 1, तो यहां पे पता क्या चल रहा है, यहां पे जो एमीना वो ये है, यहां पे है, इस पोजीशन के ऊपर है, और यहां पे क्या है, इस पोजीशन के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला क्या शो कर रहा है, ये वाला आपकी जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है, जो आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म है वो शो कर रहा है। ये ऊपर वाला क्या कर रहा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्योंकि यहां पे तो क्या है, दो नंबर के पास में, यहां पे पहले नंबर के पास में आपका एनएच आ गया, तो मतलब क्या होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या थी, पोजीशन मतलब उसकी स्थिति के अंदर क्या मिलेगा आपको, चेंज मिलेगा फंक्शनल ग्रुप के। तो चलिए इसको बात करें, तो यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर क्या थी, चेन आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगी, चेन आइसोमेरिज्म आपको यहां पर दिखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं सिंपल में, यहां पे क्या होगी, ब्रांचिंग आ गई, आपको यहां पे क्या देखने को मिल जाएगी, ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। तो ये सब किसके अंदर आ गई, चेन आइसोमेरिज्म। तो इस चीज से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो मेटामेरिज्म होती है वो मेटामेरिज्म पोजिशन आइसोमेरिज्म एंड जो चेन आइसोमेरिज्म है ये शो कर सकती है। लेकिन याद रखना, जो चेन पोजिशन आइसोमेरिज्म होगी एंड जो चेन आइसोमेरिज्म होगी, जरूरी नहीं है कि ये आपकी मेटामेरिज्म शो करे। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, बहुत संयोजी क्रियात्मक समूह है। तो जरूरी थोड़ी है कि आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म में हर जगह आपको ये चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि जो अपन बनाएंगे वो मेटामेरिज्म देखेंगे उसके अंदर आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड चेन आइसोमेरिज्म 100% देखने को मिलेगी। जबकि जो पोजीशन आइसोमेरिज्म के जितने भी एग्जांपल होंगे उसके अंदर या चेन आइसोमेरिज्म के अंदर आपको मेटामेरिज्म नहीं देखने को मिलेगी। यदि बाय चांस कोई अपन कंपटीशन एग्जाम का लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर यदि आपको ऑप्शन दे दिया कि मेटामेरिज्म का भी एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म का भी, क्योंकि कई क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चूज क्वेश्चन वाले आते हैं, तो उनके अंदर आपको जो ऑप्शन मिलेगा तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले वरीयता किसको दी जाएगी। दैट्स क्लियर, ओके। तो ये एक तो ये एग्जांपल दे दिया, दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, एक एग्जांपल और देखे देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं C4H10 एंड O का, इस तरह के साथ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए इसका बना देखते हैं अपन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको अपन अच्छे से लिखते हैं। तो CH3 CH2 O CH2 एंड CH3 ये अपन ने ले लिया। तो चलिए अपन इसके आइसोमर बना के देखते हैं, चलिए इसको आइसोमर बनाते हैं। तो क्या आ गया, CH3 O CH2 CH2 एंड CH3, इसका एक और आइसोमर बना के देखते हैं, CH3 O CH2 CH3 एंड CH3, ये अपने एक इसका आइसोमर बना लिए। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये क्या शो कर रही है, मेटामेरिज्म शो कर रही है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, इथर, द्वि बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। दैट्स क्लियर। अब लेकिन ये दोनों है, ये दोनों आपकी जो पोजिशन आइसोमेरिज्म है वो भी शो कर रही है, और ये वाली क्या है, आपकी चेन आइसोमेरिज्म शो कर रही है। कैसे शो कर रही है, पोजिशन मैंने आपको बताया था, पोजीशन ये आप देखिए, यहां पे तो क्या है, 1 2 नंबर पे नंबरिंग देते हैं, यहां पे तो यहां पे के ऊपर है ये आपका ऑक्सीजन, जबकि यहां पे नंबरिंग देके देखें तो 1, यहां पे अपना ऑक्सीजन क्या है, यहां आ रहा है। और चेन की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं ब्रांचिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या है, अपनी चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है और ये पोजिशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो यहां से आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जो मेटामेरिज्म होती है उसके अंदर आपको पोजिशन आइसोमेरिज्म एंड चेन आइसोमेरिज्म भी का एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा, जबकि इसका मतलब मेटामेरिज्म हमेशा पोजिशन आइसोमेरिज्म एंड चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकती है, लेकिन जो पोजिशन आइसोमेरिज्म एंड जो चेन आइसोमेरिज्म है ये कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगी। ओके, ये चीज हमेशा याद रखना, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं कि आपको जो मल्टीपल चूज वाले क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर आपको काफी परेशानी होती है कि हाँ भाई कौन सा करेंगे, तो उसके अंदर आपको यदि दोनों एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे तो आपको मेटामेरिज्म भी क्लिक करना होगा, क्योंकि मेटामेरिज्म भी शो कर रहा है तो उसके अलावा चेन एंड पोजीशन भी शो कर रहा है। तो ओके, ये तो अपन को पता चल गया, आइसोमेरिज्म अपन ने मेटामेरिज्म की बात कर ली। तो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट आइसोमेरिज्म के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तो नोट्स के लिए मैंने आपको बोल दिया है कि टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहां जो भी मैं पढ़ाता हूं उन सबके आपको नोट्स वहां में प्रोवाइड करा देता हूं। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।